तो फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स ट्रिक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आप सभी रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, वो अभी अभी आई है आरआरबी की तरफ से ऑफिशियली कि आपका जो कट ऑफ है वो जोन वाइज कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो उसका जो लिस्ट है और डेटा है वो आ गया है पब्लिकली, तो हम आपके साथ वो डेटा शेयर करने वाले हैं। तो आपको आप जो है एनालिसिस कर लें कि आपके हिसाब से आपका कट ऑफ इतने के अंदर है या नहीं, यानी आपने जो स्कोरिंग की है क्या वो स्कोरिंग इस कट ऑफ के अंदर रहेगा यानी आपके अपने अपने जोन के हिसाब से। तो सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें एक एक करके पता चल जाए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे हमेशा की तरह कि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिखेगा तो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगी टाइम टू टाइम और वीडियो मिस नहीं होगी आपसे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि किस तरह की कट ऑफ की बात कही गई है जोन वाइज आपके लिए। मैं वो सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो आप अपने स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे जो आपका अलग अलग जोन है रीजन है और यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यानी अनुमानित कट ऑफ है कि इतना हो सकता है। और मैं 100% एश्योरिटी के साथ कहता हूँ कि इसी के बीच में कट ऑफ रहेगा आपका, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। तो इसलिए एक कर करें अपना अपने रीजन का कट ऑफ देख लीजिए क्या इस हिसाब से रहता है नहीं रहता। अल्लाहाबाद का देख लीजिए 69 से 79 के बीच में रह सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा गया है और इसलिए अच्छा रीजन यानी सेंट्रल रीजन में आता है तो इसलिए नॉर्थ रीजन में आता है, इसलिए यहां पे वैकेंसी ज्यादा भी होती है और कैंडिडेट भी ज्यादा अप्लाई करते हैं, इसलिए कट ऑफ भी हाई रहता है यहां पे हमेशा। उसके बाद अहमदाबाद करें तो यहाँ भी कट ऑफ ठीक ठाक रहता है, 60 से 67 के बीच में रह सकता है आपका। पटना की बात करें तो यहां भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 70 और 78। देखिए तीन जो जोन है, एक दिल्ली एक मुंबई हो गया आपका, उसके बाद चंडीगढ़ और उसके बाद पटना और उसके बाद इलाहाबाद, ये सारे जोन में कट ऑफ हाई रहेगा आपका। इसी तरह से सिकंदराबाद में भी कट ऑफ हाई जाता है जो 70 से 75 के बीच में रहता है। अजमेर की बात करें तो अजमेर के बीच में थोड़ा सा कट ऑफ लो रहता है आपका, 70 के आसपास कट ऑफ रहेगा, 60 से 70 के बीच में। उसके बाद भोपाल की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ 63 से 70 के बीच में रहता है। बिलासपुर की बात करें तो 68 से 75 के बीच में। चेन्नई की बात करें तो 61 से 69 के बीच में। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कलकत्ता का है 69 से 75, भुवनेश्वर का है, यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाता है, 59 से 64 के बीच में। चंडीगढ़ की बात करें जैसे मैंने पहले कहा था हाई रहता है 68 से 75। मुंबई की बात करें 62 से 69 के बीच में। और रांची की बात कर लें तो यहाँ पे रांची का रहेगा आपका देख सकते हैं 59 से 65। गुवाहाटी का 49 से 56, यहाँ का भी कट ऑफ कम जाता है। बेंगलोर का भी कम जाता है जो कि 62 से 68 के बीच में रहेगा। तो गुवाहाटी और जोन से और आप अगर आपने भुवनेश्वर जोन से अप्लाई किया है तो आपका कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। एक चीज़ मैं आपको रिजल्ट डेट को लेकर के हम बता दें आपको, जैसा मैं आपको पता ही होगा ये चीज़ कि 11 तारीख को आपका जो आंसर किया आ जाएगा और इस हिसाब से आप जो है अपना कट ऑफ के हिसाब से मैच कर पाएंगे कि क्या आपका जो स्कोर आ रहा है वो आपको ले जा रहा है आपकी पीईटी में। तो इस हिसाब से आंसर की अपलोड कर पाएंगे डाउनलोड कर पाएंगे आप 11 तारीख से, ये आपको पहले से ही पता होगा। तो इस तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रही थी और ये हम अपडेट पहुँचा रहे थे। अगर ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर दो और दोस्तों में शेयर भी कर दो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।